अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, दीन दुनिया की खुशियाँ दे। तो आज मैं बनाऊंगी सीख कबाब। तवे पे कैसे बनते हैं? अंगीठी के बगैर तवे पे कैसे बनते हैं? ये आधा किलो गोश्त था, मैंने कीमा करवा दिया है, ये दो मरतबा निकलवाया है मशीन से, बारीक वाला होना चाहिए ऐसे। तो ये साथ कुछ मिसालें, घर के मिसालें, ये घर का मसाला बना हुआ। अगर ये इसका रेसिपी चाहिए तो मेरी लिंक पे जाए। ये खुशक धनिया, ये आधा चम्मच हल्दी, ये रेड मिर्च है, ये लाल कश्मीरी मिर्च है, ये काला नमक है। काले नमक का इस पे बहुत टेस्ट होता है। तो ये चाट मसाला है आधा चम्मच, ये वाइट नमक है, अपनी मर्जी के मुताबिक जितना आप खाते हैं डाल सकते हैं। ये कुछ चीज़ें, इनको मैं मिक्सी जार में डाल के ये ब्लेंड करके इसमें डालती हूँ, कीमे की तरह पीस के डालती हूँ। तो फिर आपसे मिलते हैं, ये मैं पीसती हूँ। ये मिक्सी जार में मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, अदरक लहसुन ग्रीन प्याज सब्ज धनिया, ये सारी सब्ज मिर्च पुदीना थोड़ा सा। ये हमारी मशीन कुछ करती है थोड़ा। ये मैंने बारीक कर लिए हैं, इतने बारीक क्रश किए मैंने, बिल्कुल बारीक नहीं किए, फैन बारीक नहीं किए, क्रश किए, तो इसमें क्रश ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखो ग्रीन ग्रीन माशाल्लाह से, इसमें कितने अच्छे लग रहे हैं। ये मसाले जो बताए थे, माशाल्लाह से इनको मिक्स करती हूँ। ये उस दिन मैंने दूसरी वीडियो में बताए थे, जो ब्रेड बचे थे सैंडविच बनाए थे, तो मैंने कहा ये ज़ाया नहीं करती हूँ। ये ब्रेड क्रम्स देखो कितना मज़े का बना है, ये माशाल्लाह यही डालती हूँ मैं। इसको अच्छे तरीके से जैसे आटे को गूंदना होता है ऐसे गूंदना होता है। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चीज़ें, ये सारी अंदर मिक्स हो जाए। सीख तो मेरे पास थी लेकिन वो अभी ठीक काम फिर आती हैं, लेकिन मैं इसकी सीखें बना रही हूँ, आप भी ऐसे बना सकते हैं। ये सीख बन गई। तो ये हमारा, इसमें कुछ चीजें थोड़ी सी और डालती हूँ, ये सब्ज धनिया और ग्रीन प्याज थोड़ा सा, ये पेपरिका पाउडर, ये तकरीबन आधी चम्मच के, ये सीख कबाबों में और टिक्कों में ये डलता है, इसका देखा भी आ जाता है और कलर भी होता है, तकरीबन आधी चम्मच के बाबा। माशाल्लाह से ये बनने के लिए रेडी है, ये जुड़ रहा है माशाल्लाह से, इतना मजे का। ये जैसे शेप देना चाहते हैं ऐसे, या जैसे भी आपकी मर्जी। तो ये माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। इस टाइम मरच नमक चख सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं, तेज करते हैं कम करते हैं, वो चख के थोड़ा सा कर सकते हैं। ये थोड़े से पानी से हाथ गीला करें,
जिधर से कम लग रहे हैं वहां से डाल लें। चलो मैंने चूल्हा ऑन किया है, थोड़ा सा इसके ऊपर सेकें। स्मोक भी आ जाएगी और अच्छे इसको ऊपर मार्क्स बन जाएंगे। चढ़ाती हूँ तवा इसके ऊपर। थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, इनको डीप फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा तवे पे ऑयल डालना है। बिस्मिल्लाह ऐसे। ऐसे पकड़ना थोड़ी देर, ये बहुत मजे के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। इनको स्मोक खुद बहुत यहाँ से स्मोक मिल जाती है, अगर दिल करे तो कोली की स्मोक दे दें, वरना यहाँ कोली कोली जैसी स्मोक मिल जाती है। तो माशाल्लाह से ये बहुत टेस्टी होते हैं, जूसी होते हैं, अंदर से बहुत मजे के होते हैं ये। माशाल्लाह आजकल सबके घरों में गोश्त है, गरीब अमीर के घर गोश्त है, तो बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। देसी फूड होम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया बहुत 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 लोग कर रहे हैं माशाल्लाह, और करें अपने शेयर करें रिश्तेदारों को, शुक्रिया बहुत बहुत। माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे बनेंगे। सारे कबाब रेडी हो गए, अब इनको देती हूँ स्मोक। ये मैंने कोला रखा हुआ है, एक स्मोक 5 सेकेंड स्मोक देती हूँ। ये माशाल्लाह से स्मोक हो चुकी है, ये माशाल्लाह इतने प्यारे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह इतने प्यारे बने। ये रेस्टोरेंट में शादी वहाँ पे भी होते हैं, लेकिन वो कीमा तो नहीं होता, ज़्यादातर मसाले उन्होंने रखे होते हैं, मसाले डाले होते हैं। ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतने प्यारे बन चुके हैं। तो ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं बनाकर खाएं कैसे बने, हमें खुशी होती है। तो माशाल्लाह से सब्सक्राइब हमारे बढ़ रहे हैं, शुक्रिया बहुत बहुत। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें प्लीज़, एंजॉय करें, खाएं, जूसी इतने मज़े के हैं माशाल्लाह। ये साथ चटनी है, ये देखें इतने मज़े के जूसी अंदर से, ये देखें ये माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतने मज़े के हैं, अंदर से जूसी बिल्कुल नरम, ये नरम बिल्कुल, ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।